महाराज जी, भारत एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे प्रमुख बात है कि सनातन संस्कृति को लेकर अगर भारत की बात की जाए तो भारत तो वैसे भी सनातन संस्कृति का पुरोधा रहा है। पूरी दुनिया में अगर सनातन संस्कृति की बात होती है तो सबसे पहले हमारे देश की ही चर्चा होती है। जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय। भारत आदिकाल से ही सनातन धर्म का एक प्रमुख स्थान है। समूचे विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानवों को रहन सहन की पद्धति भारत की संस्कृति से ही प्राप्त हुई है, इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रहन सहन का क्षेत्र हो, गृहस्थ जीवन का क्षेत्र हो, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर भारत सबसे पहले ना पहुंचा हो, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है और भारत विश्व गुरु रहेगा। मैंने देखा कि पिछले दिनों आपने आपकी राम कथा सुन रहा था मैं, एक अलग तरीके की राम कथा। हनुमान जी प्रबंधन गुरु हैं, केकेयी बंदनीय हैं, निंदनीय नहीं हैं। आपने मंथरा के लिए भी कहा कि यदि मंथरा आपका रोल नहीं होता तो शायद राम वनवास न जाते, इस तरह की स्थिति नहीं होती। तो प्रबंधन वर्तमान का जो दौर है और रामचरितमानस को कहाँ आप देखते हैं? देखो, जो भी पद्धति वर्तमान में जो प्रबंधन है हमारे भारत की हो या किसी विदेश की नीति की हो, हर जगह का प्रबंधन हमारे शास्त्रों से ही है और इन्होंने शास्त्रों से ही चुराया है, शास्त्रों का ही अनुकरण किया, चुराया नहीं कह सकते, अनुकरण किया हुआ है। देखिए, जिस प्रकार के अनेक डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे हमारे ईश्वर के पास भी अनेक डिपार्टमेंट हैं। हमारे परमात्मा के दरबार में भी वरुण देव हैं जो पानी का डिपार्टमेंट है, कुबेर हैं जिनके पास कोषाध्यक्ष हैं जो धन के मालिक हैं, लक्ष्मी जी हैं हमारे यहाँ पर, मेघ हैं जो बारिश करते हैं जिनके पास सामर्थ्यता है, देवताओं के ऊपर भी एक सुपरवाइजर होता है, वो इंद्र हैं। तो सब एक डिपार्टमेंट ही हमारे शास्त्रों का, बहुत प्राचीन पद्धति का डिपार्टमेंट है, उसका अनुकरण पहले भारत ने किया, पूरा देश कर रहा है। तो हमारे शास्त्र ज्ञान विज्ञान का भंडार हैं, हमारे शास्त्र से ही विज्ञान उद्भव हुआ। अगर कोई ये कहता है कि विज्ञान अलग है और ज्ञान अलग है तो यूँ कहा जावे कि ये तो वो सूर्य से सूर्य की रोशनी को अलग करने की बात कर रहा है, यूँ कहा जाए कि बाप से बेटे का डीएनए अलग करने की बात की जा रही है। हमारी दृष्टि ये कहती है कि विज्ञान और ज्ञान दोनों एक ही हैं, और एक होता भौतिक विज्ञान, एक होता आध्यात्मिक विज्ञान, और आध्यात्मिक विज्ञान से ही भौतिक विज्ञान प्रकट।